गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का क्लास है हमारा, यस आज की क्लास में 3.2 एक एक्टिविटी हमें करनी है ना। और हम कह सकते हैं कि हम इस क्लास में एक छोटा सा गेम भी खेलने वाले हैं। ओके, तो चलो फटाफट से क्या करना है, आपके टेक्स्ट बुक्स ओपन करने हैं। टेक्स्ट बुक ओपन किया आपने, उसमें है आपका 3.2 एक्टिविटी टाइम, लेट्स प्ले, एक्टिविटी करनी है हमें, है ना। तो अब देखो बेटा, आपके टेक्स्ट बुक में एक फ्लावर है दिया हुआ और फ्लावर में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, है ना। और हमें क्या करना है, देखो हमारे पास में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, तो हमें क्या करना है इस एक्टिविटी में, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं हमें इन वर्ड्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में राइट डाउन करना है। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ हमारे पूरे 26 लेटर्स राइट करेंगे। ओके, सो कौन से हैं 26 लेटर्स, यस हम यहाँ राइट कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमने क्या किए, लेटर्स पूरे राइट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, अब जितने भी वर्ड्स हमारे पास में हैं उनके फर्स्ट लेटर को हम अंडरलाइन करेंगे। अब जैसा एम है ना, मदर में एम को अंडरलाइन किया हमने, हेन एच ई एन हेन एच को अंडरलाइन किया, देन गार्डन जी, ओके उसके बाद में फिर से एक्स ए जेड सी बी पी डी एफ टी के एस और फिर से बी। ओके, सो इस तरह से हमने क्या किए, हमने फर्स्ट लेटर जो थे वो पूरे वर्ड्स के अंडरलाइन कर लिए। अब क्या करेंगे हम, हाँ तो अब हमें वर्ड्स राइट करने हैं, है ना। तो वर्ड्स राइट करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, वर्ड्स राइट करने हैं तो हमें सबसे पहले फाइंड करना है कि हमारा लेटर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो कहाँ से होते हैं, ए से स्टार्ट होते हैं, है ना। हमारे लेटर्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ए से स्टार्ट होते। तो अब ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड हमें यहाँ फाइंड करना है। तो कौन सा वर्ड है ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड, यस ए एक्स ई एक्स। ओके, तो फिर हम यहाँ क्या राइट करेंगे, यस ए एक्स ई एक्स। अब ए हो गया, अब बी से स्टार्ट होने वाला वर्ड, तो चलो फाइंड करो। अब बी से स्टार्ट होने वाले हमारे पास में टू वर्ड्स है, कितने वर्ड्स है, टू वर्ड्स है ना, वन इज द बॉय एंड सेकंड वन इज द बलून। एक्स हो गया है, हम एक्स को कट कर देंगे क्योंकि राइट कर लिया है हमने। ओके, अब इन दोनों में से फर्स्ट कौन सा वर्ड राइट डाउन करेंगे हम, यस बलून। क्यों राइट करेंगे, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर एक जैसा है लेकिन उसका जो सेकंड लेटर है वो क्या है, ओ है और यहाँ पर ए दिया हुआ है ना। तो इन दोनों में से कौन सा लेटर पहले आएगा, पहले ओ आएगा या ए आएगा, यस ए आएगा, इसलिए बलून वर्ड जो है वो हम पहले राइट डाउन करेंगे, बी ए डबल एल डबल ओ एन बलून। अब उसके बाद बॉय, ओके तो हमने बी का भी राइट कर दिया, ये भी हमने राइट कर लिया है ना। अब बी के बाद क्या आएगा, सी। तो अब सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड देखो कहाँ है, सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड मिल गया हमें, क्लॉक है ना, क्लॉक। तो चलो नंबर फोर वर्ड सी एल ओ सी के, क्लॉक, क्लॉक भी राइट कर लिया। अब सी के बाद डी, अब डी से स्टार्ट होने वाला वर्ड है हमारे पास में, यस डी ओ जी डॉग, तो वो हम राइट करेंगे डॉग, हो गया सी डी डॉग को कट कर देंगे हम। अब डी के बाद में क्या आएगा, ई आएगा,
क्या आएगा? ई। अब ई से स्टार्ट होने वाला वर्ड देखो है हमारे पास में एच जी जेड पी टी के एस एफ, नहीं है तो हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। फिर ई के बाद क्या आता है? एफ आएगा, है ना। एफ से स्टार्ट होने वाला वर्ड, यस, एफ से स्टार्ट होने वाला वर्ड फादर है ना, दिया हुआ देखो एफ ए टी एच ई आर फादर, राइट किया हमने, इसे भी कट कर देंगे। अब एफ हो गया, एफ के बाद जी आता है तो जी से स्टार्ट होने वाला वर्ड यस गार्डन, तो अब हम गार्डन राइट करेंगे जी ए आर डी ई एन गार्डन। अब गार्डन जी के बाद एच, एच से स्टार्ट होने वाला वर्ड यस एच ई एन हेन, ओके। अब एच के बाद आई है, आई से स्टार्ट होने वाला वर्ड नहीं, जे से स्टार्ट होने वाला वर्ड है क्या? देखो जे से स्टार्ट होने वाला वर्ड नहीं है, चलो कट कर दो। के से स्टार्ट होने वाला वर्ड यस किंग, तो वो हम 9 नंबर पे राइट करेंगे किंग। किंग एल, एल से स्टार्ट होने वाला वर्ड नहीं है तो हमने कट कर दिया। एम, एम से स्टार्ट होने वाला वर्ड आया हमारे पास में मदर, आवर स्वीट मदर, ओके। अब एम के बाद एन, एन से स्टार्ट होने वाला वर्ड है क्या? नहीं है, दिख रहा है आपको? नहीं है। ओ से स्टार्ट होने वाला वर्ड नहीं है। पी से स्टार्ट होने वाला वर्ड है कहाँ है? ये है पीकॉक, पी ई ए सी ओ सी के पीकॉक। अब पी के बाद यस क्यू, क्यू से स्टार्ट होने वाला वर्ड देखो देखो जल्दी से देखो है क्यू से स्टार्ट होने वाला वर्ड नहीं है, ओके। क्यू के बाद आर, आर से स्टार्ट होने वाला वर्ड नहीं है। एस से स्टार्ट होने वाला वर्ड है क्या? है, हाँ, कौन सा है? स्कूल, तो हम यहाँ राइट करेंगे स्कूल। देन टी, टी से स्टार्ट होने वाला वर्ड टेम्पल, 13 नंबर का वर्ड है हमारा टी ई एम पी एल ई टेम्पल। यू से स्टार्ट नहीं है। देन उसके बाद में वी से स्टार्ट होने वाला वर्ड नहीं है, डब्ल्यू से नहीं है, एक्स से नहीं है, वाई से स्टार्ट होने वाला वर्ड है क्या? नहीं है। जेड से, यस, जेड से स्टार्ट होने वाला वर्ड हमारे पास में है ज़ेब्रा। अब कौन सा वर्ड छूट गया है? हेन तो हमने राइट कर लिया है, टेम्पल भी राइट कर लिया और ज़ेब्रा भी राइट कर दिया है ना, देखो किए हैं हमने पूरे वर्ड्स राइट है ना, ओके। तो अब कोई एक वर्ड छूट गया है क्या? चलो फाइंड करते हैं, छूट गया है कोई वर्ड? हाँ, कौन सा वर्ड छूट गया है? क्वीन है ना, जो हमने यहाँ पर राइट नहीं किया था, तो क्वीन कहाँ पर आएगा फिर? क्वीन किसके पहले आएगा? यस पी के बाद में आएगा है ना, पी के बाद क्वीन क्यू यू डबल ई एन क्वीन। फिर यहाँ 13 नंबर पे क्या आएगा? यस स्कूल, और यहाँ यस टेम्पल, और लास्ट में आएगा ज़ेब्रा, ओके। तो क्या किया हमने? हमारा जो प्लेइंग टाइम था फर्स्ट एक्टिविटी जी थी वो हमने कंप्लीट कर ली, ओके। अब नेक्स्ट पेज रीड अलाउड, ओके। चलो सभी ने ओपन करो नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट पेज है हमारा रीड अलाउड। क्या करना है हमें? रीड करना है ना, क्या करना है? रीड करना है। साक्षीज बॉक्स, ओके, हमारे पास में दिया हुआ है साक्षीज बॉक्स। साक्षी फाउंड अ बिग बॉक्स, ओके,
शी ओपन्ड इट, साक्षी के पास एक बिग बॉक्स है। फाउंड, फाउंड मीन्स मिलना, साक्षी को एक बिग बॉक्स मिलता है। शी ओपन्ड इट, वह उसे क्या करती है, ओपन करती है, क्या करती है, ओपन करती है। देयर वॉज अ फेयरी एंड स्टोन एंड सम पेंट्स इन द बॉक्स। अब उस बॉक्स में क्या होता है, तो उस बॉक्स में एक फेयरी होती है, फेयरी मीन्स परी, और सम पेंट्स इन द बॉक्स, और कुछ कलर्स होते हैं, पेंट्स होते हैं। हेलो साक्षी, शैल वी डू सम पेंटिंग्स, आस्क्स द फेयरी। फेयरी साक्षी से पूछती है कि हेलो साक्षी, क्या हम पेंटिंग कर सकते हैं, कुछ पेंटिंग करें। शी गेव साक्षी अ पेंट ब्रश, और फिर फेयरी जो है वो साक्षी को पेंट ब्रश देती है। फर्स्ट दे पेंटेड विथ वायलेट एंड इंडिगो कलर। अब देखो, सबसे पहले जब वो पेंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, अब आपको पता है कौन है, यस साक्षी। साक्षी को क्या मिला है, एक बॉक्स मिला है, और उस बॉक्स में क्या है, तो उस बॉक्स में एक फेयरी है और कुछ पेंट्स है, है ना। अब फेयरी क्या कह रही है, परी क्या कह रही है, साक्षी को कलरिंग करने के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने वॉयलेट कलर से कलर किया, क्या किया, वॉयलेट कलर। देन उसके बाद में उन्होंने इंडिगो कलर उसमें मिक्स कर दिया। उसके बाद देन दे पेंटेड विथ ब्लू एंड ग्रीन कलर, और फिर उसके बाद में उन्होंने ब्लू कलर देन ग्रीन कलर से कलर किया। देन आफ्टर दे पेंटेड द येलो, ऑरेंज एंड रेड, और लास्ट में उन्होंने येलो, ऑरेंज और रेड कलर से पेंट किया। ओके, अब इस तरह से उन्होंने क्या बना दिया, यस सेवन कलर्स मिलके क्या बना, सेवन कलर्स, सी ओ एल ओ यू आर एस, सेवन कलर्स मिलके क्या बनाया साक्षी ने और फेयरी ने, यस रेनबो। क्या बनाया, ब्यूटीफुल रेनबो बनाया। दिख रहा है आपको यहाँ पे रेनबो बनाया, देखो है ना। देन विल यू पेरेंट्स लाइक अवर रेनबोज, आज द फेयरी। फेयरी ने क्वेश्चन किया, विल यू पेरेंट्स लाइक अवर रेनबोज, क्या हमारे पेरेंट्स को ये रेनबोज पसंद आएगा। यस सेड साक्षी, माई पेरेंट्स विल लाइक अवर रेनबो पिक्चर्स एंड विल से यू हैव मेड अ ब्यूटिफुल पेंटिंग। मेरे पेरेंट्स को मेरी जो पेंटिंग है वो बहुत पसंद आएंगी और वो मुझे गुड भी कहेंगे। ओके, देन द फेयरी स्माइल्ड एंड हग्ड साक्षी, साक्षी सेड गुड बाय टू द फेयरी। फिर क्या हो गया, उनका जो ड्राइंग था, पेंटिंग जो है वो कंप्लीट हो गया था। फिर साक्षी ने और फेयरी ने दोनों एक दूसरे के गले से लग गए, हग्ड किया मीन्स गले से लग गए, और फिर साक्षी ने फेयरी को गुड बाय किया। इस तरह से हमने ये स्मॉल सी साक्षीज बॉक्स की स्टोरी जो है वो सीख ली, पढ़ ली, है ना। अब चलो पेज टर्न करो फटाफट। अब क्या है, कलर द रेनबो। अब हमारे पास में बहुत सारे कलर्स हैं हमारे घर पर, है ना। फटाफट कलर्स निकालने हैं और क्या करना है, जो कलर्स रेनबो के होते हैं वो सेवन कलर्स से हमें इस रेनबो को कलरफुल बनाना है, है ना। देखो यहाँ पे वाइट रेनबो दिया है, तो वाइट रेनबो होता है क्या, नहीं। हमें कैसा रेनबो बनाना है, कलरफुल रेनबो बनाना है। उसके लिए कितने कलर्स यूज़ करने पड़ेंगे, हमें सेवन कलर्स यूज़ करने पड़ेंगे। और वो सेवन कलर्स कौन से हैं, सेवन कलर्स, यस वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इन सेवन कलर्स का यूज़ करके आपको रेनबो जो है वो कंप्लीट करना है। तो आज की क्लास में एक बहुत ही बढ़िया सा गेम हमने प्ले किया। सबसे पहले हमने क्या किया था, अल्फ़ाबेट्स को रीअरेंज करके नए नए वर्ड्स जो थे वो हमने राइट किए, है ना। अल्फ़ाबेट्स को रीअरेंज करके वर्ड्स राइटिंग की। उसके बाद में हमने एक छोटी सी स्मॉल सी साक्षी की स्टोरी रीड की। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम
हाँ, हम पेंटिंग करने वाले हैं, कलरिंग करने वाले हैं। किसे? यस, रेनबो को। अब जब आप टेक्स्ट बुक में रेनबो कलर करोगे तो उसके बाद में आपको प्रोजेक्ट भी बनाना है। तो क्या करना है उसके लिए? स्क्रैप बुक लेनी है। स्क्रैप बुक में एक आपको बहुत ब्यूटीफुल सा रेनबो ड्रॉ करना है और फिर उसके बाद में उसमें ब्यूटीफुल कलर्स करके उस ड्राइंग को कंप्लीट करना है। ओके, तो सभी को समझ में आई? ओके, अब इसी के साथ में हम क्या करने वाले हैं, इसी के साथ में मैं आपको वर्बों किस तरह से फिलअप करना है वो भी शॉर्ट में बताऊंगी, है ना, क्योंकि हमें वर्बुक भी फिलअप करना है। उसके लिए अब हमें क्या करना है, वर्बुक का पेज नंबर 62 ओपन करना है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, वर्बुक का पेज नंबर 62। मैं आपको फटाफट 2 or 3 मिनट्स में बता दूंगी कि किस तरह से आपको वर्बुक फिलअप करना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, रीड अलाउड द फॉलोइंग फ्रेसेस एंड इट्स मीनिंग। अब हमारे पास में एक फ्रेज दिया हुआ है, टू हग समवन, उसका मीनिंग क्या है? फ्रेज दिया हुआ है, उसका मीनिंग भी दिया है। टू होल्ड समवन क्लोज टू योर बॉडी विथ योर आर्म्स टू शो दैट यू लाइक और लव देम। ओके, अब हग करना मीन्स गले से लगाना। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, रिसाइट द अल्फाबेट्स ए टू जेड फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। लेट अस बिगिन एनीवेयर इन द मिडल ऑफ द अल्फाबेट एंड कंटिन्यू। ए टू जेड लेटर्स हमें रीड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिसन एंड से, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल देखो, फर्स्ट है हमारा फेयरी, पेंट, ब्रश एंड हग्ड। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, फिर से स्टोरी को रीड करना है, साक्षी की जो स्टोरी है। फिर डिस्क्राइब द पिक्चर ऑन द पेज 35 ऑन द टेक्स्ट बुक इन योर ओन वर्ड्स, और हमें उस पिक्चर को डिस्क्राइब भी करना है। अब एक्टिविटी है 6 क्वेश्चन से, पुट द फॉलोइंग लेटर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखो यहाँ पर लेटर्स दिए हुए हैं W N M V X U, हमें क्या करना है, इन्हें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे हम, M N U V W X, उसके बाद में राइट द मिसिंग लेटर्स। देखो अभी आप सेकंड स्टैंडर्ड में गए हो ना, तो आप बड़े हो गए हो, है ना, अब आप बड़े हो गए हो, आपको ना वर्बुक खुद ही फिलअप करना है, इसलिए टीचर गाइड कर रहे हैं, टीचर जैसा बता रहे आपको वैसा ही करते जाना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मिसिंग लेटर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब ये तो हमने किया है मिसिंग लेटर्स को फिलअप करना, है ना, तो ये भी क्वेश्चन हमें फिलअप कर लेना है। पुट द फॉलोइंग नेम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब यहाँ पर कुछ नेम्स दिए हुए हैं, मोना, फातिमा, अलका, ग्रेटा, वेदा और सोनम। आपको इनको क्या करना है, रीअरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो उसका फर्स्ट लेटर सबसे पहले अंडरलाइन कर लो और उसके बाद में उसे अरेंज करो अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द क्लास। ओके, नाउ 10th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो हमने एक्टिविटी की थी यहाँ, है ना, किए थे एक्टिविटी, उसी एक्टिविटी के वर्ड्स हमें यहाँ दिए हुए हैं और उसी एक्टिविटी को देख के समझ के आपको ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करना है। ओके, देन फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। अब बिग, यहाँ 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, बिग, लाइक और फेयरी। हमें क्या करना है, बिग, तो बिग का यूज करके हमें एक सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जांपल, साक्षी हैज अ बिग बॉक्स। ओके, सेकेंड है लाइक, आई लाइक पेंटिंग, है ना, सेकेंड सेंटेंस आ गया। फेयरी, साक्षी मीट टू द फेयरी, बन गया हमारे 3 सेंटेंस। ओके, 12th क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 वर्ड्स। हैव यू सीन अ रेनबो, आपने रेनबो देखा है? यस। डू यू लाइक टू पेंट, पेंट करना पसंद है? यस। What is your favorite color? और आपका favorite color कौन सा है? तो आपको इन 3 question के answer write करने हैं। Okay? Then turn the page.
अब पेज टर्न करके क्या करना है, फिर से हमें वर्कबुक में एक रेनबो दिया है उसे देखो इस तरह से ब्यूटीफुल कलर में हमें कलर करना है। अब कौन से कलर करने हैं वो हमें यहाँ दिए हुए हैं, वी वॉयलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, आर रेड। इस तरह से 7 कलर का यूज करके रेनबो कंप्लीट करना है। राइट द नेम्स ऑफ द कलर्स ऑफ द रेनबो, और रेनबो में यूज होने वाले पूरे कलर्स के हमें नेम्स राइट करने हैं। ओके सो बेटा, आज की क्लास में मैंने आपको टेक्स्ट बुक का 3.2 एक्टिविटी टाइम है ना हमने कंप्लीट कर ली। इस एक्टिविटी में हमने एक गेम खेला अल्फ़ाबेट को रीअरेंज करके रिपीट से राइट करना। ओके और उसके साथ में एक छोटी सी स्टोरी भी पढ़ी, उसके बाद में हमने पेंटिंग करना सीखा, और इसी के साथ साथ इस लेसन को हमने वर्कबुक में भी किस तरह से फिलअप करना है वो भी सीख लिया। ओके तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में आपकी टीचर आपके साथ और एक लेसन लेकर आएंगी। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।